सभी चीज़ों पे जो संगठन के काम हैं, आगे की चुनाव की रणनीति है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक एक असेंबली के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। बागलकोट अभी है, अभी बागलकोट है, आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कोर कमेटी के सदस्यों के, किस प्रकार से डेवलपमेंट को के काम को आगे बढ़ाएं। जो गरीबों के काम हैं, गरीब कल्याण के लिए, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ, उसका और प्रचार प्रसार करना पूरी तैयारी की लेकर के बैठकें हो रही, अच्छी बैठकें हो रही हैं। देखिए, यह बहुत ही दुखद घटना है और इस पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। अभी पूरी की पूरी इंक्वायरी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, क्या क्या इसमें एंगल है, कौन कौन इसके पीछे हैं, किन किन लोगों ने उकसाया, तो इसका पूरा एक शीघ्र इस पर निर्णय भी होगा। मैंने कहा ना, इसमें शीघ्र निर्णय होगा, लेकिन इस घटना के पीछे बहुत सारे एंगल हैं। एक एंगल के ही हिसाब से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ज़रूर हम इसमें निर्णय शीघ्र करेंगे। मैंने कहा कि इस पर हम करेंगे कि इसकी इंक्वायरी चल रही है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, और बहुत ही दुखद घटना है, जरूर इस पर कुछ न कुछ निर्णय होगा। अभी इंक्वायरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें इंक्वायरी करा रहे हैं, क्योंकि बट इस घटना को सिंपल घटना नहीं समझना चाहिए, कई एंगल इसमें हैं। इसमें ये देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन है, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इसके पीछे भी कुछ लोग हैं। कांग्रेस को जाकर के देखना चाहिए कि राजस्थान में किस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, और खुद जयपुर में एम्बुलेंस के अंदर महिला की रेप होती है, करौली में, धौलपुर में महिलाओं पर अत्याचार होता है, उनकी हत्या होती है, और तो और प्रियंका गांधी वहां रहती हैं सवाई माधोपुर में, और वहां पे महिला की हत्या। ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಯ್ತು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀವು, ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ,